कैसे 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में माँ महिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मुझे बोलने का जो अवसर मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सपोर्टरा की देवतुल जनता का, जिन्होंने अपनी आवाज़ रखने के लिए इस राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में मुझे भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और ये कितनी बड़ी बात है कि इस ऐतिहासिक पल को हम सभी ने जिया है, सभी ने साक्षात घटित होते देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की देवतुल जनता का, जनता को जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर ये डबल इंजन की सरकार बनाई। विगत सत्र के विगत दिनों में इस डबल इंजन की सरकार को लेकर बहुत चर्चाएं हुई। सभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने डबल इंजन की बड़ी हास्यास्पद व्याख्याएं करी। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि डबल इंजन की सरकार का मतलब विकास की डबल स्पीड, डबल लाभ, डबल प्रयास और डबल परिणाम। और माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल लाभ यह है, सिद्ध होता है महामहिम के अभिभाषण के बिंदु संख्या 24 से। गत चुनाव में कांग्रेस सरकार में सत्ता में आने के लिए इस प्रदेश के मतदाताओं से जिस तरह के लोक लुभावन वादे किए, इस प्रदेश के अन्नदाताओं से जिस तरह संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी वो सब किसान उस किसान कर्ज माफी के लिए तरसते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय हमारे सदन के नेता का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना किया और अब प्रदेश के किसान भाइयों को 6 नहीं बल्कि 12,000 रुपये आने वाले समय में मिलेंगे। ये है डबल इंजन की सरकार का डबल लाभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार का डबल प्रयास और ये अभिभाषण के बिंदु संख्या 29 और 30 से सिद्ध होता है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता और क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने ईआरसीपी की डीपीआर तैयार की गई थी, लेकिन गत कांग्रेस सरकार ने इस योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करने और वोटों की फसल काटने का काम किया। हमारी सरकार ने ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इसे मूर्त रूप देने के लिए कल ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने एमओयू को साइन किया है और इस प्रोजेक्ट का सारा रास्ता साफ हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकबाग और इस प्रदेश के लोग बोलते हैं माननीय मोदी जी के लिए कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। और ये सरप्रमाण सिद्ध होता है ईआरसीपी की योजना को जमीन रूप देने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गत सरकार सत्ता में आई और इस प्रदेश के युवाओं को वादा किया, प्रदेश के युवा दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद एक कठिन तैयारी करने के बाद जब परीक्षा देने जाता था और परीक्षा देकर वो वापस लौटता था तो उसे विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चलता था कि जिस परीक्षा को वो देकर बाहर निकल रहा है उसका पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझा और पेपर लीक मामलों की कड़ी जांच हेतु एसआईटी का गठन किया और साथ में ही भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों को करवाने का फैसला लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के पैरा नंबर 42 में माध्यम से बताना चाहूंगा
कि हमारी सरकार ने अभिभाषण में कहा कि एससी और एसटी के आरक्षित सभी सरकारी पदों को प्राथमिकता के साथ भरेगी और हम प्रदेश के सभी एससी एसटी के भाइयों को विश्वास दिलाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में मैं जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात हुई थी, समाप्त करिए, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे ही विधानसभा के पंचायत समिति सपोटरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रधान को पद पर कार्य न करने का आरोप लगाकर निलंबित किया जाता है और निलंबित करने के दो दिन बाद 27 मार्च 2003 को बड़ी संख्या में नरेगा के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। वित्तीय स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के दो दिवस बाद ही दिनांक 30 मार्च 2023 को सभी कार्यों को सामग्री के मद के बिल बिना कार्य करवाए तत्कालीन वीडियो द्वारा अपनी आईडी से 6 करोड़ रुपए के बिल फीड करवाना संदिग्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि जिस तरह से वहाँ पूरा कार्य किया गया और तत्कालीन पंचायती राज मंत्री थे। एक मिनट दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट विचार इस बार रखने का, मुझे 8 मिनट में, 4 मिनट में बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, 4-5 मिनट में पूरा करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया, बहुत तालियां इस पक्ष बजाई गई और बार बार कहा जा रहा डबल इंजन की सरकार,